an athlete completes one round of a circular track of diameter 200 meter in 40 seconds, what will be the distance covered and the displacement at the end of 2 minutes and 20 seconds? Right. So, यहाँ पे एक circular track है हमारे पास. Let's say we have this circular track and the radius of this track is, let's say it is given here. Diameter is 200 meter. So, radius will be 100 meter. Right. Radius will be 100 meter. Right. Now the athlete covers 200 meter in 40 seconds. Right. One circular path means circumference of the circle is 2 pi r. We know that. Circumference of the circle is, you can say perimeter is equal to 2 pi r. Right. Now first we'll calculate the path of one circle. It is 2 pi and 200, which is 200 pi. Right. Now we know that 200 pi distance is covered in 40 seconds, right? So 200 pi, what is the distance covered and the displacement at the end of 2 minutes and 20 seconds? So distance ke liye hum kya karenge? 2 minutes, 20 seconds, right? Pahle position nikalte hain ki 2 minutes ke baad wo kahan pe hoga. 40 seconds lagte hain usko. सपोज यहाँ से स्टार्ट कर रहा है, वापस घूम के यहाँ पे आ रहा है 40 सेकेंड्स, तो 2 मिनट्स मतलब कितने सेकेंड्स हो गए? 120 सेकेंड्स. एंड 20 सेकेंड्स और ऐड करेंगे तो टोटल हो गया 140 सेकेंड्स. राइट. सो 140 सेकेंड्स में हमें उसकी पोजीशन फाइंड करनी कहाँ पे होगा. तो मान लो यहाँ से इसने चलना शुरू किया है ना, तो 40 सेकेंड्स के बाद वापस यहीं पे पहुँच गया. अनदर 40 सेकेंड्स के बाद वापस गोल घूम के यहीं पे पहुंच गया आफ्टर 80 सेकेंड्स, है ना. फिर वापस 40 सेकेंड्स मतलब 120 और 20 सेकेंड्स में यहाँ पे पहुंचेगा. राइट. सो फाइनली ये हमारा जो एथलीट है वो बी पॉइंट पे पहुंच जाएगा. सो टोटल डिस्टेंस कितना कवर हो गया? 3 राउंड उसने लगाए कंप्लीट, है ना. 3 कंप्लीट राउंड लगाए, तो 3 कंप्लीट राउंड्स उसने लगाए, है ना. तो 1 कंप्लीट राउंड के लिए 200 पाई है. 3 कंप्लीट राउंड के लिए डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 3 एंड 2 200 पाई प्लस हाफ राउंड और लिया तो 0.5 इनटू 200 पाई. तो अल्टीमेटली ये हो जाएगा 3 प्लस 0.5 3.5 इनटू 200 मींस 700 पाई. सो ये उसका हो गया डिस्टेंस. नाउ हमें पूछा गया है व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट. राइट. व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट. सो हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है कि डिस्प्लेसमेंट कितना होगा. सो डिस्प्लेसमेंट हम यहाँ से देख सकते हैं डायग्राम से ही. डायग्राम अगर हम ध्यान से देखें तो फाइनली वो पार्टिकल इनिशियली यहाँ पे था और फाइनली यहाँ पहुँच गया. सो ये डिस्टेंस हमें यहाँ से क्लियरली दिखाई दे रहा है, विच इज इक्वल टू दिस इज आर एंड दिस इज आर. सो डिस्प्लेसमेंट विल बी 2 टाइम्स ऑफ आर. डिस्प्लेसमेंट विल बी 2 टाइम्स ऑफ आर. And 2 times of radius means radius we know that 100 meter. So displacement will be 200 meters. So displacement हमारा हो जाएगा 200 meter और distance हो जाएगा हमारा 700 pi. This will be your answer.